देखिए, सबसे पहली बात आप ये चीज भूल जाइए कि मुसलमान खतरे में है। आप ये चीज कैसे कह सकती हैं कि इस देश का मुसलमान खतरे में है? इस देश का मुसलमान खतरे में जो आए दिन जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को टारगेट कर रहा है, इस देश का मुसलमान खतरे में जो उदयपुर जैसी घटना को अंजाम दे रहा है, अमरावती जैसी घटना को अंजाम दे रहा है, अयोध्या में पंडितों को मार रहा है, ये जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात जो योगी आदित्यनाथ जी ने कही है, ये क्यों गलत है और ये किस किस को गलत लगती है? और मैं एकदम स्पष्ट रूप से बोल दूंगी, जिसे इन जनसंख्या नियंत्रण कानून गलत लगती है वो है इस देश के देशद्रोही। भाई, आपको आबादी कम करना है नहीं, दर्जन पे दर्जन पैदा करना, हर 9 महीने बाद हर एक खेती करनी है और उसके बाद छाती पीट के बोलने लगेंगे मोदी सरकार क्या कर रही है, वो सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रही है, हमें नौकरी नहीं मिल रहा है, हमें नौकरी कहाँ से देगी मोदी सरकार नौकरी? अच्छा, अगर आपको अल्लाह, आप बच्चे अल्लाह की देन है, तो आप अल्लाह से भी नौकरी मांग लीजिए ना। आप रोजगार की बात क्यों करते हैं? अल्लाह को बोलो, अल्लाह ताला हमें ना, आपने दर्जन पे दर्जन तो दे दिए, अब एक काम करो, सबको नौकरियां भी दे दो। नहीं, इनका क्या है, हम दो हमारे 70, सबके हाथ में ईटा पत्थर, इनका यही एजेंडा है। इनकी जैसे आबादी बढ़ेगी, इन्हें घंटियों से प्रॉब्लम होगी, इनकी आबादी बढ़ेगी इन्हें शंख से दिक्कत होगी, इनकी आबादी बढ़ेगी इनको हिंदुओं से दिक्कत होगी, यही है इनकी सबसे बड़ी दिक्कत और यही है इनका मेन टारगेट हिंदू, इनका मेन टारगेट काफिर। कौन है ये काफिर? और इस देश के मूल निवासी हम हिंदू, हम सनातनी, इनका तो अस्तित्व ही नहीं है। कौन है ये इस्लाम? क्या है ये इस्लाम? कुछ नहीं है। एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटिकल इंडिया पे। आज बात करके, बाहर निकल के बात करना बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि हमने जिस तरह देखा कि देश की सबसे ज़्यादा आबादी के लहजे में कहूँ तो उत्तर प्रदेश राज्य में उनका मुख्यमंत्री उठकर आता है 11 जुलाई जहाँ पे विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस पे 15 दिन के लिए एक व्यापक कार्यक्रम की आयोजन की जाती है। वहाँ पे उनके दो शब्द दो लाइन जहाँ पे उन्होंने बोला कि एक वर्ग की जनसंख्या इतनी ना अधिक हो जाए जिससे कि वहाँ पे और भी ज़्यादा दंगा हो और कहीं ऐसा ना हो कि मूल निवासी की आबादी घट जाए। इस बात को सीधा साधा उन्होंने निशाना जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाने के लिए आग्रह करते हुए केंद्र सरकार बिठाना है और ये आग्रह किया है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को जल्दी से जल्दी लाया जाए, क्योंकि हम सभी को पता है कि अगर हम राष्ट्रहित के बारे में सोचें तो राष्ट्रहित सर्वोपरि है और कहीं भी अगर देश की डेवलपमेंट की बात आती है तो आबादी सबसे बड़ा रोड़ा बनता है। तो हर कोई चाहेगा, जो भी देश हित में सोचेगा वो हर कोई चाहेगा कि देश की योजनाओं का लाभ, चाहे वो किसी भी सेक्टर में, हर एक नागरिक को, हर एक युवा को तभी मिल पाएगा जब देश की आबादी एक नियंत्रित हो। तो इन्हीं सब मुद्दों पे बात करेंगे, लेकिन अब आप सोचेंगे इन सब मुद्दों में क्या है। बहुत सीधी सीधी बात है, अगर देश में हर कुछ सीधा सीधा होता और सबको सीधा सीधा ही लगता तो इतना विवाद ही क्यों होता, इतनी खलबली ही क्यों मचती? एक बार फिर से लेफ्ट लिबरल्स को और इसके अलावा एक विशेष समुदाय जो हमेशा से, चाहे वो योगी आदित्यनाथ का कोई कानून हो, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाया हुआ कोई संवाद या कानून हो, जब भी कुछ ऐसा आता है जो देश हित में होता है उससे उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और हिंदू मुस्लिम और धर्म की लड़ाई शुरू हो जाती है। इन्हीं सब मुद्दों पे बात करेंगे जो आज तक हमारे चैनल पे कभी नहीं आई और आज हम उनको अपने चैनल पर बुला रहे हैं, इन्वाइट कर रहे हैं अपने स्पेशल गेस्ट खुशबू पांडे जी को, जिनको कि हिंदू शेरनी के नाम से भी बोला जाता है। कई वीडियोस इनके वायरल हुए हैं क्योंकि जब ये बोलती है तो सिर्फ बोलती नहीं है, दहाड़ती है। जिनके जिनके भी पेट में दर्द हो रहा है जनसंख्या नियंत्रण की बात सुनकर, यकीन मानिए पेट खराब होने वाला है, दवाई ढूंढ लीजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है खुशबू हमारे चैनल पे। खुशबू, सबसे पहले आप कैसे देखती हैं इस योगी आदित्यनाथ ने जो ये आज अपना स्टेटमेंट दिया है, दो वर्ग को बांटा है फिर से? क्या ये ऐसा नहीं लगता कि पहले भी चुनाव के वक्त 80-20 की बात हुई थी तो उस बात भी इस बात को उठाया गया था कि 80 हिंदू है, 20 मुसलमान है, हमेशा धर्म की राजनीति करता है योगी आदित्यनाथ, एक बार फिर से मुसलमान खतरे में आ जाएंगे, इस तरीके की बात तो नहीं हो रही है? देखिए, सबसे पहली बात आप ये चीज भूल जाइए कि मुसलमान खतरे में है। आप ये चीज कैसे कह सकती हैं कि इस देश का मुसलमान खतरे में है? इस देश का मुसलमान खतरे में जो आए दिन जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को टारगेट कर रहा है, इस देश का मुसलमान खतरे में जो उदयपुर जैसी घटना को अंजाम दे रहा है, अमरावती जैसी घटना को अंजाम दे रहा है, अयोध्या में पंडितों को मार रहा है,
आप इस देश के मुसलमान ने एक एजेंडा कर दिया, हम अल्पसंख्यक हैं, हम डरे हुए हैं। अरे भाई, कौन सा डरा हुआ मुसलमान हिंदुओं को मारता है, मुझे बताइए जरा, कौन सा डरा हुआ मुसलमान आए दिन यहाँ सरतन से जुदा की धमकी देता है, नुपुर शर्मा के समर्थन में बोलने वाले लोगों को काटने की धमकी देता है, ऐसा कौन सा डरा हुआ मुसलमान है? अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, ये जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात जो योगी आदित्यनाथ जी ने कही है, ये क्यों गलत है और ये किस किस को गलत लगती है? और मैं एकदम स्पष्ट रूप से बोल दूंगी, जिसे इन जनसंख्या नियंत्रण कानून गलत लगती है वो है इस देश के देशद्रोही, वो इस देश के नहीं हो सकते हैं। क्यों? आपको जनसंख्या नियंत्रण करना है नहीं भाई, आपको आबादी कम करना है नहीं, दर्जन पे दर्जन पैदा करना, हर 9 महीने बाद हर एक खेती करनी है और उसके बाद छाती पीट के बोलने लगेंगे मोदी सरकार क्या कर रही है, वो सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रही है, हमें नौकरी नहीं मिल रहा है, हमें नौकरी कहाँ से देगी मोदी सरकार नौकरी? वो क्या पालती है कि भाई आ जाओ तुम जितने पैदा करना है करो, हम है ना, हम यहाँ बैठे हुए हैं, तुम्हें नौकरियाँ देंगे, ऐसा नहीं होगा। नियंत्रण, हर एक चीज पर नियंत्रण जरूरी है। क्यों कानून, क्यों जब ये इनका कहना है कि जब बच्चे अल्लाह की देन है, और इतना है नहीं, रहमान साहब ने तो ये भी कह दिया है कि अल्लाह की देन है और इनका अल्लाह तय करके भेजता है रोजी रोटी, किसको कितना देना है वो भी इनका अल्लाह तय करके भेजता है जी। अच्छा, अगर आपको अल्लाह, आप बच्चे अल्लाह की देन है तो आप अल्लाह से भी नौकरी मांग लीजिए ना। ये आप डिबेट क्यों करते हैं, बीच बीच में बोलते हैं कि हिंदू मुसलमान पे बीजेपी लड़ा रही है, रोजगार की तो कोई बात ही नहीं करता, आप रोजगार की बात क्यों करते हैं? अल्लाह को बोलो अल्लाह ताला हमें ना, आपने दर्जन पे दर्जन तो दे दिए, अब एक काम करो सबको नौकरियां भी दे दो। नहीं, इनका क्या है, हम दो हमारे 70 सबके हाथ में ईंटा पत्थर, इनका यही एजेंडा है। इनकी जैसे आबादी बढ़ेगी इन्हें घंटियों से प्रॉब्लम होगी, इनकी आबादी बढ़ेगी इन्हें शंख से दिक्कत होगी, इनकी आबादी बढ़ेगी इनको हिंदुओं से दिक्कत होगी, यही है इनकी सबसे बड़ी दिक्कत और यही है इनका मेन टारगेट हिंदू, इनका मेन टारगेट काफिर। कौन है ये काफिर और क्यों ये पड़े रहते हैं, हमने क्या बिगाड़ा है? हम जानते हैं अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथा बचो, हमारा धर्म कहता है अहिंसा करो, लेकिन अगर तुम्हारे धर्म पे बात आए तो लड़ो, लेकिन इतिहास भी गवाह है हमने कभी पहले पहल नहीं की है, हमने कभी पहले सामने वालों को नहीं मारा है, उस गद्दारी उन मुल्लों ने की है, उन मुसलमानों ने हमारे पीठ पीछे हमेशा खंजर भोंका है और अभी तक वही होते आ रहा है। और इस देश की सबसे बड़ी गलती जानते हैं क्या है, हिंदू, सबसे बड़ी गलती। आपको लग रहा होगा यार मुसलमान ऐसे कर रहे, मुसलमान क्यों कर रहे हैं भाई, तुम तो कहते हो 80% आबादी हम ये हैं वो हैं, तो कहाँ है हिंदू? तुम्हारे भाइयों को मारा जा रहा है, कभी उदयपुर में मारा जा रहा है, कभी अमरावती में मारा जा रहा है, अयोध्या में मारा जा रहा है, अरे कुछ वीडियोस तो तुमको मिल गए, कितनी लड़कियों के साथ लफ्ज याद हो रहा है, कहाँ मर गए हिंदू? और ये राजस्थान का गढ़ जहाँ जो राजाओं की भूमि थी, कहाँ चले गए आज सारे वंशज, कहाँ है राजस्थान के वीर? उठो, दहाड़ो, काटो, अब कहना पड़ेगा उठो और काटो, वरना तुम कट जाओगे, तुम खत्म हो जाओगे। और जनसंख्या नियंत्रण जल्द से जल्द होनी जरूरी है, अगर जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगी तो इनकी जनसंख्या तो इतनी हो जाएगी और हम ना इतने हो जाएंगे, और इतने होते 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 हमारे पास सिर्फ वही ऑप्शन बचेगा, याद होगा आपको 90 का घटना कश्मीर में, या तो इस्लाम धर्म कबूल करो, या तो मारे जाओ, या तो कश्मीर छोड़ के जाओ, फिर वही होगा, या तो इस्लाम धर्म कबूल करो, या तो मारे जाओ, या तो भारत छोड़ के जाओ। ये चीज दोबारा दोहराएगा, अभी भी मैं हिंदुओं को आगाह कर रही हूँ, उठो, जागो, अपने धर्म के प्रति कट्टर बनो, अब तुम्हारा जरूरी है, इस धर्म के प्रति कट्टर बनना बहुत जरूरी है। कुछ वो जहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण की बात होती है, पर वहीं पे योगी आदित्यनाथ का ये कहना कि एक वर्ग बढ़ता जा रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि मूल्य वर्ग घट जाए और उनकी आबादी कम हो जाए, इस पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अभी यही बोला है। ओवैसी जी का कहना है, क्या एक वर्ग जिसको टारगेट बार बार योगी आदित्यनाथ करते हैं वो हिंदुस्तानी नहीं? बिल्कुल हिंदुस्तानी है, सारे मुसलमान जिहादी नहीं होते, लेकिन हर एक जिहादी मुसलमान होता है। क्यों इतना भड़काऊ भाषण देते हैं असदुद्दीन ओवैसी, खड़े होके स्टेज पे वहां से नारा लगाते हैं, मैं असदुद्दीन ओवैसी को गलत बोलूंगी, लेकिन अभी मुसलमान लोग पूछेंगे उसने गलती की है, भाई हम सब मुसलमानों की क्या गलती, गलती क्या है जानते हैं? वो जब स्टेज पे खड़े होके नारा लगाते, नारा ए तकदीर, और नीचे से क्या आवाज आता, अल्लाहू अकबर, कौन है वो मुसलमान?
कौन है वो मुसलमान, ये सब के सब एक होने वाले हैं और यहाँ किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है। ये अपने धर्म को बचा रहे हैं, ये हमें मार रहे हैं और ये क्या चाहते हैं, हम दबके रहे। और इस देश के मूल निवासी हम हिंदू, हम सनातनी, इनका तो अस्तित्व ही नहीं है। कौन है ये इस्लाम, क्या है ये इस्लाम, कुछ नहीं है। जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, ये सब क्या है फिर, हमने बचपन में तो यही पढ़ा ना जी, बचपन में हमने ढकोसलाबाजी पढ़ी है, हमने अपना इतिहास तो पढ़ा ही नहीं। हमारा इतिहास क्या, ये हमने तो कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। हमने तो वही पढ़ा जो NCERT में बताया गया, हमने तो यही पढ़ा जो बताया गया कि देखो हमारे देश में अकबर महान, हमारे देश के औरंगजेब महान, वो अकबर महान जो महाराणा प्रताप की कमर तक नहीं आता था, वो अकबर महान हल्दी घाटी की युद्ध में हराएगा। किस मूल्य ने हमारे राजाओं को युद्ध में हराया, एक मूल्य का नाम बता दीजिए। हर किसी ने पीठ पीछे वार किया है, पीठ पीछे वार, वो उनको गद्दारी की उपाधि दी गई है और आज भी ये एजेंडा चालू है। हर वक्त तो वैसी का बयान रहता, हमें मुगलों से मत जोड़ो, मुगल से हमारा कोई वास्ता नहीं। अगर मुगल से आपका कोई वास्ता नहीं तो क्यों आपके भाईजान औरंगजेब की मजार पर चादर चढ़ाने जाते हैं, आखिर क्यों? आप कहते हैं आपका कोई वास्ता नहीं तो फिर क्यों, जब हिंदुओं को मारा जाता है, काटा जाता है, तो आप कौन हो जाते हैं, आप मौन हो जाते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं कि मुसलमान भाइयों मत करो, वो तुम्हारे भाईजान हैं। आप भाईचारा भाईचारा की दुहाई देते हो, हम भाई मानते हैं, आप हमें चारा बना रहे हो। अब ये नहीं होगा, अब ये बर्दाश्त के बाहर है, अब नहीं बर्दाश्त होगा। तो यहीं पे कल हमने देखा कि अभी बीते ईद में जहाँ पे पूरी तरह से होटल की बुकिंग हो जाती थी, भीड़ लगती थी और भीड़ इतने लाखों की भीड़ उमड़ती थी, इस बार होटल्स की देखा गया कि 90% बुकिंग कैंसिल हो गई है, दूर दूर तक भीड़ नहीं दिखी। जहाँ पे सबसे ज़्यादा अजमेर में अगर दरगाह पे चादर चढ़ाने वाले हिंदू ही थे, वो आज क्या फ़र्क आया है, कोई बदलाव आया है? जिस तरीके से उदयपुर का या अमरावती का जो अयोध्या का जो घटना हुआ है उसके बाद ये भीड़ का ना दिखना, ये क्या संकेत दिखता है? देखिए, आपने अजमेर दरगाह का नाम लिया है तो मैं आपको बताऊँगी एक बहुत बड़ी चीज़, लेकिन पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हाँ, बदलाव तो आया है थोड़ा बहुत ही, अभी इन लोगों को बहुत समय लगेगा। इनके माथे में जो कचरा भरा पहना है, पहले अंग्रेजों ने राज किया, मुसलमानों ने पहले तो राज किया, अपना सब कुछ थोपा, फिर अंग्रेजों ने राज किया, इनके जो माथे में कचड़े हैं ना, उसको निकलने में समय लगेगा। बस यही बोलूंगी कि ज़्यादा समय ना लगे, क्योंकि क्या पता अगला बलात्कार करने वाला बलात्कार होने वाला आपका कोई घर का हिस्सा हो, उनको समय लगेगा निकलने में। हाँ, बदलाव तो बहुत हुआ। और रही बात अजमेर, अजमेर शरीफ दरगाह की, जहाँ पे सबसे बड़ा बलात्कार हुआ था, जहाँ पे एक हिंदू युवती के साथ साथ करीब 100 बच्चों के साथ बलात्कार किया गया था, अजमेर, अजमेर दरगाह, कौन किस किस के नाम पे, अजमेर, चिश्ती, ये निज़ामुद्दीन, ख्वाजा, क्यों ये हमारे देश में है ही क्यों? अरे ये हमारी जन्मभूमि, हमारे राम, हमारे कृष्ण, हमारे शिव, पार्वती, सीता, राम की जन्मभूमि है। यहाँ इस्लामों का कुछ नहीं है। हमारा सनातनी धर्म, जिसका ना कोई आदि ना कोई अंत है, उनका यहाँ अस्तित्व आज खत्म हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जी का बयान, यहाँ के मूल निवासी कहीं ख़त्म ना हो जाए, मैं भी वही कह रही हूँ। जो हमारा अस्तित्व है, हमारा कितना मंदिर टूटा है, इतिहास गवाह है, हमें कितना शुरुआती से प्राचीन काल से हम हिंदुओं को कितना प्रताड़ित होना पड़ा है, इतिहास गवाह है। और आज भी हम हो रहे हैं, हमारा मंदिर टूट रहा है आज भी। और आज जब बात उत्खनन पे आ रही है तो सबको लग रहा है, कुछ हिंदुओं को भी लग रहा है, हिंदू मुसलमान हो रही है। अरे अभी भी समय है हिंदुओं, जागो, अब तो जागो, क्योंकि अगर अब नहीं जागे ना तो चूड़ियां पहनने की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि दूसरे नंबर में हिजड़े तुम होगे। याद रखना एक बात, हिजड़े वो नहीं होते हैं ना जो रास्ते में आपको मिलते हैं साड़ियां पहनकर, चूड़ियां पहनकर और तालियां बजाते हुए। हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू होने के बाद भी हिंदू का समर्थन नहीं करते, और हमारे देश में अभी भी वैसे हिंदू मौजूद है। और मैं यही बोलूंगी कि वैसे हिंदू हो ना हो बराबर है, और इस देश के जो मूल निवासी हैं वो कभी खत्म नहीं होने चाहिए। इसका मैं हाथ जोड़ के सरकार से आग्रह करूंगी कि जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू। तो आपने खुशबू जो, जिनका मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बोला था कि शेरनी है, दहाड़ती है, आपने उनकी दहाड़ और गूंज भी सुनी, और वो एक खुला, एक साफ सुथरा, एक बहुत ही कहूँ तो मैं क्रिस्टल क्लियर शब्दों में उन्होंने अपना संदेश देश के नाम दे दिया है, हिंदुओं के नाम दे दिया है, सनातनियों के नाम दे दिया है, कि जो सोए हुए या फिर जो सोए हुए नहीं भी हैं और सोने का नाटक करके जिंदा लाश बने हुए हैं, वो जाग जाओ, नहीं तो लेट हो जाएगा। उन्होंने दो हिजड़ों में अंतर भी बता दिया है। तो दोस्तों, बाकी चैनल पर यूँ ही बने रहो, और इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना शेयर करें कि ये रुकना नहीं चाहिए, ये आवाज़ आग की तरफ फैलनी चाहिए। और तब तक
जब तक कि हमारे देश का सोया हुआ सरकार भी जाग जाए और देश में जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसको रोकने के लिए कानून लाने के लिए मजबूर हो जाए। तो मैंने तो अपना काम कर दिया है, खुशबू ने तो अपना काम कर दिया है, अब बारी आपकी। जय हिंद, वंदे मातरम।